जयपुर में गुरुवार दोपहर झगड़ा सुलझाने पहुंची करधनी थाना पुलिस खुद ही झगड़े में उलझ गई। झगड़ा एक कंपनी पर चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर कर्मचारियों और काश्तकारों में चल रहा था। समझाने पर काश्तकार पक्ष भड़क गया और लाठी डंडे और सरिये से पुलिस दल पर ही हमला बोल दिया। हमले में SHO सहित 6 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। सूचना पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया। हल्का बल प्रयोग कर काश्तकारों को वहां से खदेड़ा गया। पुलिस ने काश्तकारों पर राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है। SHO बनवारी लाल मीना के अनुसार दोपहर करीब 11:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सिरसी हाथोज लिंक रोड पर 30 से 40 लोग झगड़ा कर रहे हैं। झगड़े की सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जमीन पर काम बंद पड़ा मिला। वहां मौजूद दर्जनों लोगों के हाथ में लाठी डंडे सरिये और पेड़ों की कंटीली झाड़ थी। दोनों पक्षों से समझाइश की तो काश्तकार पक्ष के लोग भड़क गए। प्रोजेक्ट का काम करने आए कर्मचारी और लेबर से मारपीट करने पर उतारू हो गए। काश्तकारों से कर्मचारियों को बचाने के लिए दूर करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम पर ही उन्होंने हमला बोल दिया। हमले में SHO बनवारी लाल, हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, ओम सिंह ड्राइवर, राकेश कुमार और शीश राम के शरीर पर चोटें आईं। हालत बिगड़ने पर कालावाड़, जोटवाड़ा और मुरलीपुरा थाने से अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया। हालात बिगड़ते देखकर हल्का बल प्रयोग भी किया गया। SHO करधनी बनवारी लाल मीना की शिकायत पर काश्तकार श्रवण, गणेश, जगदीश, मांगीलाल, कानाराम, छोटू राम, सोनू, बाबूलाल, सुरेश और इनके परिवार की महिलाएं और साथियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।